दिखा रहे हैं कि जो भारतीय किसान एकता टीम वालों है किस तरह तैयारी है, किस तरह जो झंडिया का है वह हड़ है वह आया होया है। अज के जो काफिला है उसकी पूरी तैयारी है, टिकरी बॉर्डर की पूरी तैयारी है। पीवी न्यूज वालों सीधिया लाइव तस्वीर। स्वागत कर रही है, तस्वीर दिखा रहे हैं सिरसा जिला तो बाबदीन टोल प्लाजा दिया। जिवें कि किसानी अंदोलन है, किसानी प्रोटेस्ट है, वह पूरे शिखर से है, पूरे जोर शोर से चल रहा है। जिवें कि भारतीय किसान एकता टीम वालों ऐलान सी कि जो 13 जून में जो टिकरी बॉर्डर लई जो काफिला निकलना है बहुत भारी संख्या के मात्रा के विच निकलेगा, बहुत गड्डियां का भारी काफिला होएगा। जिवें कि अज मौसम खराब है, कल तो लगातार बारिश चल रही है, लेकिन किसानों के जो हौसले ने बुलंद ने। दिखा रहे हैं कि भारतीय टोल प्लाजा किस तरह जो किसान ने इकट्ठे हो रहे हैं, तो भारी काफिला जो गड्डियां का भारी काफिला है अज वो टिकरी नूं रवानगी कर रहे हैं। पिछे आम सीधिया लाइव तस्वीरों के दिखा रहे हैं कि जो टाइमिंग दिती गई सी, जिवें कि 9:30 बजे की टाइमिंग दिती गई सी, लेकिन मौसम के अनुसार मौसम कितना खराब है, लेकिन जो किसानों के हौसले ने वो बुलंद ने, वो जोश है, क्रांतिकारी सलाम है इन्हां वीरां दे हौसले नूं, इन्हां वीरां दे जज्बे नूं कि जो कि इन्ना मौसम खराब होने के बावजूद भी जो एक काफिला है वो दिल्ली नूं रवाना हो रहा है। अगर पिछे भावदीन टोल ते जो मोर्चा लग्या होया है, अगर उस दीयां तस्वीरां दिखाइए, ता जो किसान ने वो इकट्ठे हो रहे ने, पूरा जोश है, लंगर की तैयारी है, किस तरह व्यवस्था बनाई हुई है, पूरा जो नज़दीकी तस्वीर ने उन्हां राही दिखावांगे कि जो किस तरह जो किसान वीरां दे जो हौसले ने वो बुलंद ने। अज दे इस काफिले है वो रवाना हो रहा है गड्डियां ते, किस तरह भारतीय किसान एकता दे जो है टैग ने वो लगाए जा रहे ने, अनगिनत दे विच कह सकते हाँ कि लोग जुड़ रहे ने, गड्डियां दा काफिला है वो वधदा जा रहा है। किस तरह तैयारियां हो रही ने भावदीन टोल प्लाजा ते, जिस तरह की डव वाली तो हरियाणा किसान एकता टीम है वो भी ना, उन्हां दा काफिला भी नाल जा रहा है, उन्हां दीयां गड्डियां भी आ रही ने, लेकिन जो भावदीन टोल प्लाजा जो तैयारियां चल रही ने काफले नू लैके लाइव तस्वीरां दे विच दिखा रहे हैं कि हर पिंड तो हर वर्ग तो जो लोग ने जो किसान ने इस काफले दे नाल जुड़ रहे ने। जिवें मौसम भी काफ़ी खराब है, लेकिन जो किसानों का उत्साह है वह बरकरार है अपने रोसां नू लैके, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस दे बिल है मेन मकसद है उन्हां नू रद्द करवाना। बारिश का मौसम है, खराब मौसम है, 13 तारीख का ऐलान सी कि जो काफिला है वो दिल्ली जाना है, लेकिन वो काफिला रद्द नहीं हो रहा है। किसान वध चढ़ के उस काफले दे विच जा रहे ने। गल करवाने हाँ भारतीय किसान एकता दे जो प्रधान ने लखविंदर औलख जी, उन्हां दे नाल भी तुहाडी गल करवाने हाँ कि उन्हां दा इस विषय ते की कहना है कि जो किसानां दी संख्या है वह वधदी जा रही है, गड्डियां दा काफिला है वह वधदा जा रहा है। 13 तारीख दा ऐलान सी कि एक बहुत वड्डा काफिला है जो टिकरी नूं रवाना होएगा। गल करवाने हाँ औलख जी, खंभे गिर गए, बहुत सारे वृक्ष गिरे ने, सारे रस्ते ब्लॉक ने, फिर भी वहीरां कत्ते हुए साडे किसान ते मजदूर साथी हर पिंड दे विचों भारी गिणती दे विच इत्थे पहुँच रहे ने, ते तुसीं देखिया होगा किवें गड्डियां ही गड्डियां आ रही, साडे किसान सारे बन्ने किसान मजदूरों का ही जो है इस सड़क के उपर नज़र आ रहे हैं। ये किसान मजदूरों का उत्साह जड़ा ये गौरमेंट नूं झुकाउण वास्ते ते उस अपनी जो हक की लड़ाई नूं जितण वास्ते, तिन्नों काले कानून रद्द कराउण वास्ते, MSP की गरंटी कानून बनाउण वास्ते, उस वास्ते जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई नूं होर तेज़ करन लई, जिवें कि रोज़ाना किसी ना किसी जगह तो काफले जाते, उस ही तहत अज जो ये काफला है साडा इत्थों भावदीन टोल प्लाजा तो पिछे खुईयां टोल प्लाजा डब वाली तो संगत इकट्ठी होकर साडे किसान मजदूर साथी हरियाणा किसान एकता वाले वो इत्थे आउणगे। इत्थों भारतीय किसान एकता की पूरी टीम तो पूरे नाल पूरियां संस्थावां जिन्नियां भी नाल जुड़ियां हुई ने, साडे प्रधान जी ने जट भाईचारा वैलफेयर एसोसीएशन तो आड़ती भाई, साडे मजदूर भाई, साडे कर्मचारी व्यापारी हर एक वर्ग इस जो काफले का एक कार रैली का हिस्सा बन रहा है, तो असी सारयां दा धन्नवाद भी करते हैं। तो सब तो वड्डा धन्नवाद उस परम पिता परमात्मा सच्चे वाहिगुरु का जिन्हें मौसम तो और बरसात दी है,
बहुत सोहना मौसम है, बरसात हो रही है, साढ़े फसलों भी लहर आ जिन्ना मर्जी सानू यातनावां दे ले सरकार, लेकिन अल्लाह वाहिगुरू राम साढ़े नाल आ, उसकी कृपा के नाल असीं जन जुगनी रात चुगनी उन्नती करांगे, इस काले कानून नूं रद्द करावांगे, MSP ते गरंटी कानून बनवावांगे। अगे वी काफले जांदे रहणगे? हाँ बिल्कुल, इस तों बाद साढ़े जिहड़े अगले जिले ने साडी जो जथेबंदी है भारतीय किसान एकता, दूसरे साडे दूसरे जिलों तो भी असीं काफले लैके टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जांदे रहांगे। बिल्कुल फर्क तो हम सरकार गिनती सरकार जिते कोशिशा कर रही थी उन्होंने डायरिया गिनती घटाने पर लगियां, तो किसानों की जी हर एक कोशिश थी वो इस गिनती बढ़ाने के लिए लगी हुई थी। अज सरसे जिले के जोड़ा हरियाणा किसान एकता डबल ए भारतीय किसान एकता सरसा वालों जोड़ा व्डिया व्डा गड्डिया का काफिला जरा सरसे जिले के लजाया जाना, तो पहला वर्गी लहर जी खड़ी होनी है, तो सरकार घुटने टेकन मजबूर आ। जोड़ा बंगाल के चुनाव के भी इन्हों मार पई आ, यूपी के जोड़े पंचायती चुनाव उन्होंने इन्हों मार पई आ, उ हार का सामना करना पाया, तो आने वाले दिनों जल्द तो जल्द जोड़े कानून है इन्हों वापस लेने पड़े। दो गल्लां मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया कि जिहड़ी सरकार की कोशिश आ वो अंदोलन नूं बदनाम करन दी, जिहड़ी गिनती आ घटाउण दी तोड़न दी, जिहड़े ये भ्रम फैला रहे हैं, जिवें तुसीं वेख्या होना हिसार दे विच CM आप आके कानून तोड़ता, एक टैंपरेरी होस्पिटल का उद्घाटन करने उत्थे आउंदा, कानून आप तोड़ता, जिहड़े परचे ओह किसानां दे उत्ते दित्ते जांदे आ, तो साडी एकता साडी ताकत आ जिहड़े ये परचे रद्द हुंदे आ, तो यह सरकारां दीआं जिहड़ियां गिदड़ धमकी इन्हां तों किसान आम लोग मजदूर कीर्ति काम नहीं डरन वाले, ये कानून इन्हां नूं हर हाल दे विच मुद्दों रद्द करने पैणगे, तां ही किसान टिक के करेगा। यह है कि थोड़ा यार लेट हो गया, 9 बजे का टाइम दिता ही, 9:30 बजे का, उस तो थोड़ा लेट हो गया मौसम खराब होने करके, तो कई बार रस्ते भी हुण बंद हो गया, अंधेरी वाहवा सी, तो लोग आ रहे हैं हुण एलनाबाद तो भी फोन आया सी, उतों भी आ रहे राणियां तो। हाँ जी सरकार जरूर सरकार झुकी पई है, हुण तो बस एक थोड़ी आकड़ आ कि थोड़ा उन्होंने धौण नीवी करनी औखी है। देखो असी थोनों क्या दस्या सीगा कि 1500+ गड्डियां साढ़े काफले दे विच होणगियां, मौसम भी तुसी देखिया, मौसम दे बाद भी लोकां दे विच जनता दे विच उत्साह है, साढ़े अपने उत्थे टोल जिहड़ा खुईयां मलकाना टोल आ उत्थे भी सैकड़ा गड्डियां कट्टियां हो रही हैं, हुण भी साथियों के फोन आ रहे, कोई बणी तो चलिया, कोई संत नगर तो चलिया होया, कोई पड़ोलियां वाली तो चलिया होया, अलग अलग साथी जिहड़े पहुँच रहे, क्योंकि शहर के अंदर बारिश बहुत है, तो गड्डियां दी जिहड़ी स्पीड है वो स्लो है थोड़ी, तो कई जगह जिम्मे खंबे भी गिरे, लोगों ने आपका कम धंधे भी संभालने, लेकिन थोड़े लेट जरूर होवेंगे, लेकिन 1500+ गड्डिया होनगिया। जी बिल्कुल मीटिंग हो चुकी है, जो सुनदे कि रामफल नाम का कोई जिन्होंने गाली गलोच की उन्होंने अल्टीमेटम दे रखे, अगर उस दौरान वो माफ़ी मांग लेंदे तो ठीक है, नहीं उस तो बाद असी एक बड़ी कार्रवाई करांगे दिल्ली तो वापस आके। जो आज काफला चलिया ये कुछ दिनों दे स्टे लई है जां एक रूटली काफला जा रहा है? नहीं असी किसी ते कंडीशन नहीं रखी हुई, सारे साथियों नूं क्या कोई अज भी वापस आना चाहे तो उतों वापस आ सकता है, 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, जिहदी रहन दी व्यवस्था नहीं असी व्यवस्था भी करांगे, बाकी तां जिन्ने भी पिंडां दे अपने साथी आ किसान भराए सब दे अपने अपने टिकाणे बने हुए, नैशनल हाईवे आ जिहड़े हाईवियां ते सोहणियां सोहणियां चौंपड़ियां साडियां हवेलियां साडियां कोठियां बणियां होईयां, उह अज साडे घर आ साडे पिंड आ। टोल प्लाजा लंगर जो भौटी वाला चल रहा, लंगर दे विच सारी संगत इकट्ठी हुई है, सरसे जिले दे जो भी पिंडा तो किसान सारे इकट्ठे होके ते दिल्ली की तैयारी कर रहे ने, बड़े जोर नाल उतों बरसात का भी जोर आ, पर हुण सारे किसान दिल्ली जाणगे, अपना रोड शो जाके प्रगट करनगे, सरसा जिले की 400 गड्डी इतों हुण दिल्ली जा रही है, ते अपना जो सरकार साडा आखा नहीं मन रही, 7 महीने तो किसान उठे बैठे ने, हुण असी दिल्ली जा के अपना पूरे जोर शोर ना गुस्से दे नाल जा रहे आ, अपना पूरा प्रदर्शन करांगे जाके, जे असी जित के आवांगे
जिन्ना चेर तीन कानून वापस नहीं होंगे उन्ना चेर अं दिल्ली रहेंगे, अभी वापस नहीं आवेंगे। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह।